मैं तो ये अभी अगर कोई नया बंदा आया है सर, जिस दिन मेरा ये $1 भी आ गया इस साइड से, तो सर मेरी तरफ से आपको एक ह्यूज ये ऐलान कर रहा हूँ, ये सारे गवाह हैं, अल्लाह भी गवाह है, एक ह्यूज सर आपको जो है वेलकम करूंगा, एक अच्छी दावत दूंगा और उसमें सर आपको रिगार्ड करूंगा आपका सर। और इस तरह कहने का मतलब ये नहीं कि हेलो हेलो, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इस पोजीशन पे आ जाऊंगा कि मैं किसी को रिवार्ड दे सकूं। मैं सर इसका आपको एक अनाउंस भी कर रहा हूं इसको, फर्स्टली कि मैं ये इसलिए इतने गवाह इकट्ठे कर रहा हूं कि मैं इसमें बहुत अच्छा फील करूंगा और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आपके लिए तो क्या है, आप तो ऑलरेडी इस पे गेन कर चुके हैं, देखिए इकराम साहब, लेकिन मुझे इस चीज की जरूरत नहीं, बाकी है कि आप काम करें, मेहनत करें। नहीं जब आपको आप सक्सेस मिल जाएगी, जब आपको कामयाबी मिल जाएगी, जब आप मेहनत से काम करना शुरू कर देंगे ना, तो मैं समझता हूँ कि आपको, अब मैं आपको ये दावे से कहता हूँ, ये बात मैं आपको दावे से कहता हूँ, आप लिख लें कि आपको अगर 1 वीक में क्लाइंट ना मिले तो मुझे कहिएगा। यकीन करें मेरे पास ज्यादा लड़के नहीं बैठे, अगर मैं अगर पास किसी को बिठा के काम करवा रहा हूँ ना, तो अपनी टीम के साथ जो लोग मेरे साथ अटैच हैं, सिर्फ 3 लोग हैं, 3 लोग। और इस टाइम 3 लोगों ने 1 से 2 वीक के अंदर तकरीबन 15 क्लाइंट्स निकाले हैं, सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म से, सिर्फ एक अच्छा वीक वेरी के मच। अंदर। ठीक है, उसका कुछ जो है मैं आपको आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक आईडी, सिर्फ एक आईडी दिखाऊंगा जो कि मेरे स्टूडेंट के पास है इस टाइम। चलो माशाल्लाह सर, यहाँ पे देखें, ये जिन स्टार वगैरह जिनके भी लगे हैं, सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म से हमने निकाले हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट जो है गेट योर वेबसाइट रैंक्ड ऑन गूगल, यहाँ पे देखें। और ये तो खैर एक एजेंसी की ईमेल थी, ठीक है, ये भी हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं, लेकिन इनके पास अपनी भी साइट्स हैं। और उसके साथ ये देखिए, ये क्लाइंट है, इसको मैं ओपन कर नहीं दिखाऊंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंशन हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे एक और है, ठीक है, इसके साथ भी हमारी जो डील है वो चल रही है। ये सिर्फ एक आईडी में दिखाई है, 15 क्लाइंट जो है सिर्फ हमने एक ही प्लेटफॉर्म से निकाले हैं। किस तरह से निकाले वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, और मैंने आपको बताया भी कि आपने इनको ईमेल करनी है। आप उस चीज को बार 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 इग्नोर कर रहे हैं, उसको स्किप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसमें आपका ही नुकसान है, ठीक है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अगर आपको 1 वीक में क्लाइंट ना मिले तो फिर आप मुझे कहिएगा, बशर्ते ये कि आप इस पर प्रॉपर चले, प्रॉपर इसको लेके चले। अगर आप इस पर काम करेंगे तो फिर आपको क्लाइंट मिलेगा। देखें बहुत सारे मेथड हैं, जितने भी मेथड है सारे के सारे वर्केबल, उस पर हमें टाइम देना पड़ता है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, 50 ईमेल, 100 ईमेल निकाल के उनको ईमेल सेंड कर देते हैं। आप सबकी जो आईडीज हैं वो भी इतनी अच्छी नहीं है कि अभी उन पर अगर आप 100 या 200 ईमेल करें तो डायरेक्ट क्लाइंट के इनबॉक्स में जाए, ऐसी ही आपकी ईमेल की आईडीज नहीं है। शुरू शुरू में आप जितनी भी ईमेल कर रहे हैं सारी की सारी स्पैम में ही चली जा रही है। और आप क्या करते हैं, 171, 50 या इतनी ईमेल करके उसको छोड़ देते हैं। देखिए इतनी ईमेल तो वो स्पैम फोल्डर में चली जाती है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स निकालेंगे, जितने ज्यादा आप निकालेंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपको क्लाइंट का रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। अच्छा सर, अब वो आईडी की, आईडी की कैटेगरी बता दें सर, जो आप कह रहे हो किस कैटेगरी की आईडी होनी चाहिए। देखें, आईडी जो है, आईडी कैटेगरी नहीं, आईडी आप जो जो मर्जी बना रहे हो आईडी जो है। अब यहाँ पे ना आपके क्लाइंट में ओपन करके दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ पे देखें 6 दिन पहले ईमेल की गई है, लड़के ने ईमेल की है, ठीक है, क्लाइंट का रिस्पॉन्स आया, ठीक है, 18 घंटे पहले दोबारा इसने देख प्राइसेस वगैरह सब कुछ पूछा है। तो कहने का मकसद यह है कि आप लोग काम करके क्यों नहीं क्लाइंट ले सकते, सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म से हमने निकाले और ये साइबर सिक्योरिटी का क्लाइंट है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने पहले भी आपको बोला था कि आप जो है वो उस प्लेटफॉर्म पे काम करते ही नहीं है। मैंने अपने लड़कों को सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे लगा रखा है, इस पे लगा रखा है, और दूसरा सर्च आपको बता देता हूँ कहाँ से हम निकालते हैं, वो भी आज आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए मैंने आपसे पहले दिन ही कहा था कि हमने मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग वाले जो कंपनी एजेंसी के साथ हमने काम करना ही करना है, लेकिन इसके अलावा भी ऊपर नीचे आप देखें बहुत कुछ है, यहाँ पे बहुत कुछ है। अगर ऊपर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप देखें, ये डिजाइन एंड प्रोडक्शन में आ जाए तो यहाँ पे भी बहुत कुछ आपको देखने को मिल रहा है। अगर एक यहाँ से मोबाइल ऐप डेवलपमेंट को के रिलेटेड जो कंपनीज हैं, जैसे अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो इसमें आपको हजारों के हिसाब से कंपनीज मिल जाएंगी। इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसी तरह वेब डेवलपमेंट, यानी कि कहने का मकसद ये कि इतना कुछ आपके पास, इतने सारे क्लाइंट्स हैं। ये जो मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग वाले जो दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, इसके अलावा ऊपर नीचे जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है वो सारे के सारे आपके क्लाइंट्स ही हैं। आप यकीन ही करें, हमारे लड़के जो बैठे हैं उनमें से फर्स्ट जो क्लाइंट मिला लड़के को कॉल सेंटर का मिला है,
जेनेसिस नाम है, व्हाट्सएप पे सारी सारी चैट है, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। कॉल सेंटर का क्लाइंट मिला है, उसके बाद हमारे पास जो क्लाइंट आया वो आईटी से है, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी से है। ठीक है, कहने का मकसद यह है कि अगर आप यहाँ से निकालना शुरू करें तो आपके पास इतने सारे क्लाइंट्स हो जाएंगे कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन यह कि आप इस पर प्रॉपर वर्क करें, होता यह है कि आप बेहतर जानते हैं, आप सबक बेहतर जानते हैं, आपने एक से दो या तीन पेजेस से ज्यादा क्लाइंट्स निकाले ही नहीं है इस प्लेटफॉर्म से। आप एक बार निकाल के तो देखें ना, आप एक बार बैठे तो सही ना, अब देखें कितनी सारी एजेंसीज हैं। आप बेशक इसका जो फर्स्ट पेज है उसको छोड़ दें, लेकिन छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप एक शुरू से स्टार्ट हो जाएं, निकाल दें, चले जाएं डेली के निकालें, बल्कि एक बार आप बैठे सारे के सारे निकाल के रख लें, उसके बाद आप इनको ईमेल करना शुरू कर दें, ईमेल करें, उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कैसे आपको रिस्पॉन्स नहीं आता। कहने का मकसद यह है कि आप लोग प्रॉपरली वर्क करें। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ से सिर्फ कंपनीज और एजेंसीज आपके फील्ड के रिलेटेड नहीं मिलेंगी, इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत कुछ है। ये आईटी सर्विसेज में जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है, बिजनेस सर्विसेज में जो कुछ आपको नजर आ रहा है, सारे के सारे आपके क्लाइंट्स ही हैं। और उसके अलावा मैंने आपको सबसे बेस्ट जो मेथड बताया था वो ये था कि नए जो आर्टिकल वेबसाइट्स के अंदर पब्लिश हो रहे हैं आप उनको फॉलो करें, उनको फॉलो करके चलें, आप देखिएगा आपको कैसे क्लाइंट्स नहीं मिलते। लेकिन हम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, आप इस चीज के खुद गवाह हैं। आप जो है प्रॉपरली वर्क किसी भी एक चीज पे करें, किसी भी मेथड को लेके चलें, फिर आप अगर रिस्पॉन्स ना आए तो आप मुझे कहिए। आप आज मुझसे वादा करें कि आज से आप इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करेंगे, नहीं तो आप कोई भी मेथड ले लें, मैं आपको रेकमेंड करूंगा क्लच, क्लच को आप लेके चलें, किसी भी एक निश को ले लें, ठीक है, लास्ट में से ले लें, यहाँ से कोई भी एक जो चीज़ को पिक कर लें, ये कमर्शियल रियल एस्टेट, यकीन करें इसमें आपको इतने ज्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे कि आपकी सोच होगी। ठीक है, आप इसको फॉलो कर लें, फॉलो करके वन बाय वन पेज में से जितनी भी वेबसाइट्स आ रही हैं उनके ईमेल वगैरह पिक करना शुरू कर दें। और पता क्या है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये सारे के सारे लोग जो हैं सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, और इनमें ऐसी कंपनीज भी हैं जिनकी वेबसाइट पर जीरो ट्रैफिक जा रही है, जिनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक जा ही नहीं रही बिल्कुल, वो काम तो करवा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लोकेशन है, यहाँ से आप किसी भी कंट्री को, यूनाइटेड किंगडम को कर सकते हैं, किसी और जो अदर कंट्रीज आप उनको फॉलो करें, ठीक है, उसके हिसाब से जो आपके सामने रिजल्ट आएगा आप उनको फॉलो करें। अब फर्स्ट वाले जितने भी पेजेस हैं उनको छोड़ें, छोड़ने के बाद आप आगे चले जाएं, काफी आगे चले जाएं, आगे से अपनी जो सर्च है उसको स्टार्ट करें, और यहाँ से आप कंपनीज को फॉलो करना शुरू कर दें, और इनकी वेबसाइट के जो ट्रैफिक है वो देखें। ठीक है, जो हमारी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड कंपनीज और एजेंसीज होती है उनके हम ट्रैफिक वगैरह ये सब कुछ चेक नहीं करते, लेकिन इनकी हमने ट्रैफिक देखनी है। आप देखेंगे कि ये जो कंपनीज हैं यहाँ पे जो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रही हैं इनकी वेबसाइट की ट्रैफिक ही नहीं है। ठीक है, और इनमें बहुत सारी ऐसी हैं जिनको रेटिंग और रिव्यूज वगैरह मिल ही नहीं रही। ठीक है, इनको रिव्यूज और रेटिंग नहीं मिल रही, तो इसका क्या मतलब है कि इनको काम ही नहीं मिल रहा। तो कहने का मकसद यह है कि यहाँ पे इतना ज्यादा काम है, इतना ज्यादा काम, और इतने ज्यादा क्लाइंट्स, लाखों की सूरत में आपको क्लाइंट्स मिलेंगे ये कंपनीज की सूरत में, और इनका जो बजट है वो भी ठीक ठाक होता है। तो आप इसको लेके चलें, प्रॉपरली इस पर वर्क करें। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल आप नए क्लाइंट्स फाइंड करें, ऐसे क्लाइंट्स जिनकी वेबसाइट पर जो अलेक्सा आएगा वो भी बहुत ज्यादा मिलियंस में हो, ट्रैफिक भी बिल्कुल ना हो, गूगल एडेक्स भी अच्छा ना हो, अगर आप ऐसे क्लाइंट्स चाहते हैं तो वो भी इंशाल्लाह आज के इस मेथड में आपको बता दूंगा। जी बोलें सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपकी ओवरऑल अभी तक मैंने कहा था कि सर जिस तरह का आपने पढ़ाया आउटस्टैंडिंग है, अब भी जो बताए वो भी ठीक है, अच्छा है वो भी अच्छा। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आपका वे ऑफ वर्क है, जिस तरह आप लड़कों से एक स्पेसिफिक टारगेट काम करवाते हैं, क्या आप हमसे ऐसे टारगेटेड हमें कोई असाइनमेंट देते हैं, आप टारगेटेड काम देते हैं एक वीक लगातार उसको आप फॉलो कर लें, तो हम उसको फॉलो करते हैं सर, अगर उसे इंशाल्लाह ताला सर आपकी जरे निगरानी अचीवमेंट ले लेंगे। देखिए आप बेहतर जानते हैं कि पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में जिन्होंने असाइनमेंट्स वगैरह कंप्लीट नहीं किए, साथ नहीं गए, मैं बोल बोल के थक गया कि काम करें काम करें काम करें। अगर आपने उन दिनों में असाइनमेंट्स वगैरह कंप्लीट की होती, सबमिट करवाई होती, तो आज आपके लिए काफी हेल्पफुल वो होना था, क्योंकि डेटा जो था सर, जो जी जी सर जी सर मैंने करवाई थी असाइनमेंट सबमिट जी, कुछ स्टूडेंट्स ने करवाई है, लेकिन ज्यादातर आप बेहतर जानते हैं, मैं बोल बोल के थक गया और लास्ट में मैंने कहना ही छोड़ दिया, मैंने ये बोला भी था कि आज के बाद मैं किसी को नहीं कहूंगा कि असाइनमेंट वो सबमिट करवाए, और कह लें कि मैंने अपनी तरफ से 100% दिया आपको, और मैंने सब कुछ ए टू जेड बताया, जो मेरे पास था, जो मेरे पास है वो मैं बता भी रहा हूँ, और आपको मैंने हद तक कह लें कि अपने क्लाइंट्स भी दिखाए हैं, सब कुछ मैंने हमेशा आपको दिखाया, ठीक है, कुछ भी मैंने आपसे नहीं छुपाया, जहां से मैं क्लाइंट लेता हूँ काम करता हूँ सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब आपने काम करना है, मेहनत आपने करनी है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इस चीज को किस तरह से लेके चलना है। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने असाइनमेंट दी थी सर, अगर एक बंदा जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, वो इसको नहीं फॉलो कर रहा,
या इसको नहीं करना चाह रहा हो, जस्ट टाइम फॉर दी टाइम पास के लिए अगर आया हुआ, तो उसकी सजा बाकी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए सर, मेरा ख्याल है। तो सर जो चलता है फ्लो पानी के साथ उसको लेके चलें, जो नहीं चलता सर मेरा ख्याल है कि उसने अपनी नुकसान करना है, जिनका बाकियों का नुकसान ना हो उसके साथ। नहीं, नुकसान तो किसी का नहीं होगा, बस आपको एक तरीका अगर बता दिया, अब इसको लेके चलें, फॉलो करें, अपना टाइम बना ले, शेड्यूल बना ले। और आपने जो ईमेल करनी है वो आपने ईमेल, मैंने पहले भी बोला था कि 2 या 3 बजे के बाद करें शाम को, ठीक है, यानी कि जोर की नमाज के बाद आप ईमेल करें या असर के टाइम आप ईमेल वगैरह करना शुरू करें, ठीक है। अगर आपने यहाँ से क्लच को से अगर आपने क्लाइंट को फाइंड करना है तो फिर आपने ईमेल जो है जोहर के बाद ही करनी है, यानी कि 2 या 3 बजे के बाद। सर कितने बजे तक? कितने बजे तक कर लें? शाम 6 बजे 7 बजे 8 9 बजे तक भी कर सकते हैं आप, 10 बजे तक कर लें, 11 बजे तक कर लें। मैंने कहने का मतलब ये है कि इसका टाइम कोई आगे लिमिटेड भी है कि 12-1 बजे भी तक भी एक बैठा मिसाल के तौर पर काम करता है? नहीं, बहुत आगे नहीं जाना आपने, बस यही जो टाइम मैंने बता दिया 8 9 10 बजे तक, बस ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इस टाइम तक ठीक है सर। चले सर, एक लास्ट बात मैं यही कहूंगा कि सर जिस तरह आप फॉलो उनसे काम करवाते हैं इसी तरह हमसे करवाएं, तो इंशाल्लाह हम रिजल्ट देंगे। ये तरीकाकार मैंने आपको बता दिया, हम यहाँ से क्लाइंट निकलवाते हैं। एक और चीज़, सीधी सी बात है, पूरा पॉइंट बात करूंगा कि हम फ्राइडे सैटरडे और संडे ये 3 दिन बैठ के लड़कों से क्लाइंट निकलवाते हैं, जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा निकलवाते हैं, और बकिया जो हमारे पास 4 दिन बचते हैं उनमें हम ईमेल वगैरह करवाते हैं इनसे, इस तरह से हम काम करते हैं। और बाकी आपने अपना जो टाइम है उसको सेट करना है, उस हिसाब से आप उसको लेके चलें, क्योंकि ये देखें सारी चीजें मैटर करती हैं। हम जो क्लाइंट्स वगैरह निकाल रहे होते हैं वो ज्यादातर दूसरी कंट्रीज के होते हैं, ठीक है, और जब वहां पे लोग सो रहे होते हैं और यहाँ पे सब लोग जाग रहे होते हैं, हम अपने टाइम के हिसाब से उनको ईमेल करते हैं, हमें हालांकि उनके टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा अगर हमें काम चाहिए तो। जी बिल्कुल ठीक है आपने सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। हम एक क्लाइंट को कितनी दफा यूज कर सकते हैं, इसको कितनी दफा ईमेल्स कर सकते हैं एक क्लाइंट को? एक ही दफा जो हमने डेटा निकाला है उसको कितनी दफा हम यूज कर सकते हैं? देखें, मैंने आपको पहले भी बोला था कि एक वीक तक उसको फॉलो करें पहले रेगुलर, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो यही है कि अगर आप एक ही टाइम में क्लाइंट को ईमेल करते हैं ज्यादा, यानी कि अगर आपने एक ही मेथड से क्लाइंट निकालें, किसी एक ही टॉपिक से आपने निकालें क्लाइंट ज्यादा निकाले हैं, तो अगर आप एक ही टाइम उनको ईमेल करते हैं ना, तो आपको रिस्पांस जो है वो देखने को मिल जाएगा इंशाल्लाह। एक ही दफा कोई ना कोई रिस्पांस कर देगा, और जो रिस्पांस करेगा उसको अपनी लिस्ट में निकाल के अलग से सेव कर लें, ठीक है। और जो ऐसे भी हैं जो कि आपके ईमेल को ओपन कर रहे हैं बार बार, ठीक है, ओपन करके उनकी भी मैंने आपको बताया था कि लिस्ट जो अलग से रेडी कर लें। टूल जो है वो आपको टूल यहाँ पे अगर हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे टूल होगा मेरे पास, नहीं तो मैं आपको ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा टूल का, ये वाला अनलिमिटेड ईमेल ट्रैकर ये टूल, इसको आप इंस्टॉल कर लें। इससे पता चल जाता है कि कौन सा आपका क्लाइंट जो है ईमेल आपकी बार बार ओपन कर रहा है, तो जो आपकी ईमेल ओपन कर रहा होगा आप उसकी भी लिस्ट जो है अलग से बना के सेव कर लें, और बाद में साइट्स और टेम्पलेट वगैरह चेंज करके उसको आप डेली बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं। अच्छा सर, ये क्या कहते हैं इस टूल को यूज कैसे करना है काइंडली सर ये भी बता दें, और सर डिफरेंट टेम्पलेट भी जो है वो ग्रुप में शेयर कर दें ताकि हम लोग पूरा एक कंपोज अपनी रेडी कर सकें। जी वो भी मैं कर देता हूँ। ये देखें सिंपल है, आपने एक्सटेंशन ऐड करनी है क्रोम से, और उसके बाद अपने जीमेल में जाएं, वहां पे जाके ये सिंपल लॉग इन हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली इसने वर्क करना शुरू कर देना। हम आगे बढ़ते हैं आज का जो लेक्चर है। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, हमने एक ही क्लाइंट को वीक डेज में रोजाना ईमेल्स करने हैं के मतलब के 100 हमने निकालने हैं, तो 50 को मंडे को कर लिया, नेक्स्ट 50 को ट्यूसडे को? नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना, एक दिन में कोशिश आपने करनी है कि 1000 तक ईमेल करें आप। ओके सर, वो डिफरेंट जीमेल अकाउंट से? हाँ जी, डिफरेंट कर लें चाहे, नहीं तो कोई 3 से 4 ईमेल पकड़ लें से आप कर सकते हैं। जीमास का टूल यूज करें, 50 उससे करें, बाकी जो है आप ईमेल से फॉलो कर सकते हैं। तो सर सर एक सर, वो रोज ही वीकडेज में मंडे ट्यूसडे से लेके वेडनेसडे तक थर्सडे तक सारे वो उन्हीं 1000 क्लाइंट्स जितने निकाले? नहीं नहीं नहीं, डेली निकालें, डेली उनको ईमेल करें, डेली निकालें, डेली उनको ईमेल करें।
डेली पहले तो मैंने आपको ये बोला कि जितने ज्यादा हो सके आप क्लाइंट्स निकालें, ठीक है, क्लाइंट्स निकालते चले जाएं, ईमेल करते चले जाएं, आपको रिस्पांस ना आए फिर कहिएगा। फिर होता पता क्या, आपने जो आज से 2-3 मंथ पहले निकाल के रखे हैं उनका फॉलो कर रहे हैं और फिर आप ये कह रहे हैं हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो नए क्लाइंट्स निकालें, ठीक है, क्लाइंट्स अभी से निकालना शुरू करें, डेली बेसिस पे निकालें, उनको ईमेल करना शुरू कर दें, यहाँ से कोई भी एक चीज पकड़ के बैठ जाए, कुछ भी ले लें, आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्स आएगा, जरूर आएगा रिस्पॉन्स, ये मैं आपको कह रहा हूँ। सर फॉर एग्जाम्पल हमने 1000 को एक दिन में कर लिया, बस 1000 को फिर हम नेक्स्ट नहीं करना आप कभी भी? नहीं, हम करेंगे, उनको दोबारा भी फॉलो करेंगे, अगर कह लें कि हमारे पास टाइम नहीं है या टाइम नहीं मिल रहा तो दोबारा उनको फॉलो कर सकते हैं। एक और चीज हमने लाजमी करनी है कि जब हम ईमेल करते हैं ना तो बस अकत हमें आया था एड्रेस नॉट फाउंड, तो ऐसी जो भी ईमेल्स होंगी हम अपनी 1000 वाली लिस्ट से उनको रिमूव करेंगे और नेक्स्ट डे हम दोबारा उनको फॉलो करेंगे, उन ईमेल्स को दोबारा कर लें बेशक, आप उनको चाहें तो 1000 का 4 दिन लेके चलें, लेकिन 100, 150, 200 तक आपने ये नहीं कि 100 आज निकालें और उनका पूरा वीक लेके चल रहे हैं, ऐसे नहीं, 1000 अगर आपने निकाले हैं तो उसको आप पूरा वीक लेके चल सकते हैं, 100 को नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक। अच्छा सर, आप प्लीज एक लेक्चर उस पर दीजिएगा कि पेमेंट कैसे रिसीव करते हैं और उनको भेजते कैसे पेमेंट आई है, तुम्हें पता ही नहीं है। जी मैं अगर हमें जी मैं बता दूंगा जी, हां प्लीज इसको जरा गाइड कर दीजिएगा। जी जरूर, ठीक है सर, लेक्चर स्टार्ट कर लें। जी आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने अब चाहे तो उसको फॉलो करें चाहे तो उसको छोड़ दें, जैसे आपको बेहतर लगता है, जैसे आपको मुनासिब लगे। सबसे पहले तो आपको छोटा सा कीवर्ड है, आपने इसको गूगल में टाइप करना है, राइट फॉर अस फैशन, उसके बाद आपने साइड, उसके बाद कॉलन ऐड करें और साथ में आप pinterest.com को मेंशन कर दें। अब ये वाला जो मेथड है, हम इस मेथड को इसलिए फॉलो करेंगे, अगर हम चाह रहे हैं कि हमें गूगल से डिफरेंट जो जो रिजल्ट है वो शो हो, या हमें ऐसे साइट्स हैं ये फैशन के रिलेटेड हों और उन पर फैशन के रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश हो रहे हों, तो हम इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो सिंपल, आपने राइट फॉर अस फैशन साइट, उसके बाद कॉलन pinterest.com आपने ये सर्च करना है और आपके सामने जो भी रिजल्ट निकल जाएगा उसमें मोस्टली आपको गेस्ट पोस्ट की साइट्स जो हैं वो मिलेंगी, उसमें क्लाइंट्स की साइट भी आएंगी और गेस्ट पोस्ट के रिलेटेड जो साइट्स हैं वो भी इंशाल्लाह आपको देखने को जरूर मिलेंगी। ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक तरीका बता चुका हूँ एडवांस सर्च का, आप एडवांस सर्च को फॉलो करके डिफरेंट कंट्रीज में इसको टारगेट करवा सकते हैं पिंटरेस्ट को, एडवांस सर्च में जाके कंट्री चेंज करें हर दफा और आपके सामने जो रिजल्ट है वो चेंज होता रहेगा। अब फर्स्ट वाली है, इसको ओपन करके हम देख लेते हैं और उसके बाद हम ये भी चेक करेंगे कि इसमें जो हमारे सामने साइट आती है क्या वाकई में वो फैशन के रिलेटेड है या कोई और जनरल साइट है। तो इसमें आपको डिफरेंट तरह की जो साइट्स हैं वो भी देखने को मिल जाएंगी, तो आपने इस मेथड को लाजमी से फॉलो करना है और जितना आप इसको फॉलो करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको गेस्ट पोस्ट के रिलेटेड जो साइट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी। अब यहाँ पे मैं देखूंगा कि वेबसाइट कहाँ पे है इसकी, यहाँ पे अगर मुझे मिल गई, यहाँ पे देखिए लेटेस्ट आस्क मी, ये वेबसाइट है, इसको हम कर लेते हैं न्यू टैब में। यहां पे देखें हमारे सामने जो वेबसाइट निकल गई है वो है जी गेस्ट पोस्ट के रिलेटेड और उस पर आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश हो रहे हैं, यानी कि कंटेंट वगैरह हमें देखने को मिल रहा है। इसी तरह आप इस मेथड को फॉलो करके ज्यादा से ज्यादा जो साइट्स हैं वो पिंटरेस्ट से निकाल सकते हैं, ठीक है जी। और सेकंड इसका जो मेथड होगा वो ये कि अगर आपने ये वाला कीवर्ड गूगल पे सर्च नहीं करना तो सिंपल आप चले जाएं पिंटरेस्ट पे डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट पिंटरेस्ट पे जाके आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। सिंपल आप जाएं किसी भी कैटेगरी में आपको साइट्स चाहिए, किसी भी कैटेगरी में आपको चाहिए, ट्रैवल में चाहिए, फैशन में चाहिए, टेक्नोलॉजी में चाहिए, जो भी आपके माइंड में है, जो भी आप जिस भी निश पे आप साइट्स चाह रहे हैं आप उसको यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं, हम सबसे पहले पिक्चर पे रखेंगे, पिक्चर में रख के हम चेक करेंगे इसमें हमें को लिंक वगैरह देखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखें एक लिंक देखने को मिल रहा है और उसके बाद यहाँ पे भी हमें एक लिंक देखने को मिल रहा है। पिंटरेस्ट पर आपको दो तरह की चीजें देखने को मिलेंगी, एक क्लाइंट की वेबसाइट पे मिलेंगी, दूसरा आपको गेस्ट पोस्ट के रिलेटेड जो साइट्स हैं वो भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड ले रहे हैं, चाहे वो आप सैमरे से पिक कर रहे हैं, कहीं से भी किसी टूल से आप ले रहे हैं, बाय वाला कीवर्ड को यहाँ पे आप टाइप करके उसको फॉलो करना चाह रहे हैं तो आप उसको इजीली यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो वेबसाइट मैंने ओपन की है, किसी और एक वेबसाइट को भी हम ओपन करके चेक कर लेते हैं, हो सकता है हमें ट्रैवल के रिलेटेड कोई और जो वेबसाइट है वो देखने को मिल जाए।
तो यहाँ पे हम आए हैं, यहाँ पे देखें हमारे सामने एक पेज ओपन हुआ है जो कि इसने आई थिंक ट्रैवल के रिलेटेड ही लिख रखा है, और सारे के सारे जो हमें कैटेगरीज के शो रही हूँ सारे के सारे ट्रैवल के रिलेटेड ही हैं। तो आपने पिंटरेस्ट को फॉलो करना है, किसी भी कैटेगरी को पिक कर लें, पिक करने के बाद यहाँ से गेस्ट बॉक्स की जो साइट्स हैं वो हज़ारों की सूरत में आप निकाल सकते हैं। और ये जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे डेटा शो होगा, वो ख़त्म ही नहीं होगा। यहाँ पे आप देखें ये सारे के सारे आर्टिकल, अभी इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है इस वजह से जो है वो हमें पोस्ट वगैरह इसकी शो नहीं हो रही है। अब यहाँ पे देखें ये सारे के सारे आर्टिकल्स ही हैं, आप जिसको भी ओपन करके चेक कर लें, और इस पे ट्रैवल के रिलेटेड ही लिखा जा रहा है। ठीक है, एक और वेबसाइट हमने ओपन की है यहाँ से, अब इसको हम इसके होम पेज पे जाके चेक कर लेते हैं कि वाकई ही में कोई सर्विसेज के रिलेटेड वेबसाइट है, यहाँ पे कोई आर्टिकल वगैरह पब्लिश हो रहे हैं। अगर क्लाइंट की वेबसाइट है तो उसको आपने क्लाइंट वाली लिस्ट में सेव कर लेना है उसका ईमेल पिक करके। अगर क्लाइंट की नहीं है उस पर आर्टिकल वगैरह पब्लिश हो रहे हैं तो आप उसको सिंपल ले सकते हैं एज ए वेंडर के तौर पे। ठीक है जी, आपको आइडिया हो रहा होगा कि जो वेबसाइट्स यहाँ पे आ रही हैं वो सारी की सारी गेस्ट पोस्ट के रिलेटेड ही हैं। तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह फैशन है, फैशन को आप सर्च करें, टेक्नोलॉजी को आप सर्च करें, गैजेट्स के रिलेटेड आप सर्च कर सकते हैं, गेमिंग के रिलेटेड आप सर्च कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अब गेमिंग हम सर्च कर ही देते हैं, हो सकता है कि हमें कोई ना कोई गेस्ट पोस्ट के रिलेटेड जो साइट्स हैं वो देखने को मिल जाए। अब गेमिंग मैंने यहाँ पे सर्च किया है, अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि मुझे कौन कौन से जो साइट्स हैं वो देखने को मिल जाती हैं। PCMag.com आ गया यहाँ पे, ये वाली वेबसाइट आ गई, ये वाली भी आ गई, इसको भी ओपन कर लेते हैं। इसमें हमें क्लाइंट की वेबसाइट भी मिलेगी और हमें ब्लॉगिंग की जो साइट्स हैं प्योर डिश पे मोस्टली वो भी हमें देखने को मिल जाएंगी। तो अगर कोई क्लाइंट की वेबसाइट आ रही है तो आप सिंपल उसका ईमेल उठाएं, पिक करें, उसको आप सेव कर सकते हैं एज ए क्लाइंट के तौर पे। यहाँ पे देखें जी ये वाली वेबसाइट है हमारे पास, इसके होम पेज पे जाते हैं, होम पेज पे जाके इसको चेक कर लेते हैं। ये जो मैं तरीकाकार आपको बता रहा हूँ ये वेंडर के लिए भी बता रहा हूँ और मैं उसके क्लाइंट के लिए भी बता रहा हूँ। सिंपल आपने पिंटरेस्ट पे कीवर्ड सर्च करना है, सर्च करके आप वन बाय वन को ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके सामने जो साइट्स आएंगी उनमें मोस्टली क्लाइंट्स की भी होंगी और वेंडर्स की भी होंगी। अगर आपको आर्टिकल इस तरह से पब्लिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये क्या है जी, वेंडर की वेबसाइट। अगर आर्टिकल नहीं है, सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड की जा रहे हैं तो सिंपल वो क्लाइंट की वेबसाइट है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। ठीक है जी, ये था मेथड, आप इसको फॉलो करें। और ये वाली जो वेबसाइट है आई थिंक ये फ्री वाली वेबसाइट है, इसमें आप फ्री में रजिस्टर करके अपना जो आर्टिकल पब्लिश करवा सकते हैं। अच्छा सर, एक आज का लेक्चर बस इसी भी था सर आज? नहीं, आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा सर जी, तो आपने पिंटरेस्ट को लाजमी से यूज करना, कोई भी कीवर्ड है जो आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं क्लाइंट फाइंड करने के लिए, आप उसको यहाँ पे भी सर्च करके इससे भी क्लाइंट्स वगैरह निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक सर्च है जिसको हम फॉलो करते हैं। अगर हमें लेटेस्ट क्लाइंट चाहिए होते हैं, ऐसे क्लाइंट जिनको वाकई में काम की जरूरत होती है और उन्होंने कहीं ना कहीं पे अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक लिया होता है। अब आपको एक और चीज बताता चलूं कि मार्केट में बहुत बड़ी वेबसाइट्स हैं जिनमें पिंटरेस्ट भी आ जाता है जो कि अभी हमारे सामने था, उसके अलावा फेसबुक है, यूट्यूब है, इस तरह की और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे हम जाके फ्री में अपना अकाउंट क्रिएट करके वहां से हम अपने किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए, किसी दूसरे वेबसाइट के लिए हम ट्रैफिक ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनको हम बुक मार्क बोलते हैं या बुक मार्किंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। तो आपने ऐसे प्लेटफॉर्म को फॉलो करना है, सबसे पहले तो आपने फाइंड करना है। जब आप फाइंड कर लेंगे फिर आप उन प्लेटफॉर्म को फॉलो करके आप जो क्लाइंट्स हैं वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इनमें अगर आपने क्लाइंट फाइंड करना है तो आप इनमें फेसबुक को यूज नहीं कर सकते और उसके अलावा यूट्यूब को आप नहीं ले सकते। ठीक है, इनको फिलहाल के लिए छोड़ दें। और उसके अलावा जितने भी बुक मार्किंग की जो साइट्स की जो लिस्टें आपको मिलेंगी डिफरेंट वेबसाइट्स पे, आप उनको फॉलो करके नए जो क्लाइंट्स हैं, ऐसे क्लाइंट्स जिनको वाकई में काम की जरूरत है और वो ऐसी फ्री वाली साइट से बैकिंग ले रहे हैं, या कोई उनका या कोई और बंदा है जो कि उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे छोड़ रहा है, या वो किसी दूसरे अपने किसी कंपनी के थ्रू से या किसी और रीसेलर के थ्रू से ऐसी साइट से ट्रैफिक वगैरह लेने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ट्रैफिक जो है वो सही से मिल भी नहीं रही और उनको काम की भी जरूरत और वो अपनी वेबसाइट में सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सिंपल आप लोगों ने गूगल पे आना है, सोशल बुक मार्किंग साइट्स लिस्ट आप इसको सर्च करें, फर्स्ट में हमारे पास वेबसाइट है, सेकंड पे आ जाएगी, उसके अलावा और भी जितनी आ रही हैं आप इनको फॉलो करें, कोई सी भी ले लें। ठीक है, कोई सी भी यहाँ से ओपन कर लें। अब यहाँ पर मैंने एक जो है 75 वाली, सेकंड वाली मैंने ओपन की हुई है, आपने इसको फॉलो करना है। यहाँ पे आपको ना एक सारी की सारी जो लिस्ट है ऐसी साइट्स जिन पे हमें डिफरेंट जो
कंपनीज के जो क्लाइंट्स हैं उनके हमें लिंक्स वगैरह साइट्स के देखने को मिल जाते हैं। अब ये सारे के सारे क्लाइंट्स नहीं, आप ये बुक मार्किंग के रिलेटेड साइट्स हैं, यानी कि लाइक फेसबुक इस तरह की ऐसी साइट्स हैं जिन पर आप फ्री में अपना अकाउंट क्रिएट करके वहाँ पे पोस्ट वगैरह कुछ कोई ना कोई आर्टिकल वगैरह कोई ना कोई ऐड वगैरह अपना रन कर सकते हैं फ्री में। जैसे फेसबुक पे हम कोई ना कोई पोस्ट लगा सकते हैं, ऐड वगैरह रन कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सेम ही है। अब यहाँ पे देखें, ये सारी की सारी लिस्ट है, सिंपल आपने यहाँ से पहला जो प्लेटफॉर्म है इसको आप फॉलो करें, ठीक है, इसको आप कॉपी करें, कॉपी करके इसको आप न्यू टाइम में सर्च कर सकते हैं। अब इसको मैंने एक ये वाला मैंने प्लेटफॉर्म ओपन कर रखा है, उसके बाद ये तो इसके सब डोमेन थी ब्लॉग freetime.org, उसके बाद ये नीचे वाली थी, ठीक है, www.antiquelist.com, इसको भी मैंने फॉलो किया यहाँ से, इसको कॉपी करके मैंने न्यू टाइम में सर्च कर लिया। अजान हो रही है, कुछ देर के लिए वेट करें, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। जी आवाज आ रही है सबको? जी सर आ रही है। जी जज़ाकअल्लाह। काइंडली क्लास लीव करके कोई बंदा ना जाए, लेक्चर इम्पोर्टेंट है, आपने इसको एंड तक देखना है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि लास्ट जब क्लास एंड हो जाए उसके बाद लेक्चर को दोबारा अच्छे से बैठ के डिटेल से देखिएगा, और इंशाल्लाह जो आपके पॉइंट क्लियर नहीं होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अब जैसा कि मैं बोल रहा था, सिंपल आपने सोशल बुक मार्किंग साइट्स लिस्ट गूगल पे सर्च करनी है, उसके बाद आपको जो भी वेबसाइट मिलती है जो कि आपको लिस्ट प्रोवाइड कर रही है, सिंपल आप उसको ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारी जो साइट्स हैं वो आ रही होंगी, डोमेन्स आ रही होंगी, बहुत अच्छी अच्छी जो साइट्स हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होंगी। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से वन बाय वन को फॉलो कर लेना, ठीक है, जैसा कि मैं इसको फॉलो कर रहा था। यहाँ से मैंने दो जो वेबसाइट्स हैं उनको फॉलो किया, शुरू वाली तो जो दो वेबसाइट उनको मैंने ओपन किया। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाली है इसको मैं ओपन करने के साथ ही थोड़ा सा नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे देखें व्हीकल्स बाय एंड सेल क्लासेस एंड आई थिंक आगे पता नहीं क्या मेंशन है, रियल एस्टेट सर्विसेज, कम्युनिटी हेल्थ, उसके बाद जॉब्स, यानी कि काफी कुछ जो हमें यहाँ पे सर्विसेज वगैरह देखने को मिल रही हैं। और इनमें लोग मोस्टली आके क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट के रिलेटेड फ्री में जो लिंक वगैरह छोड़ देते हैं, हम जैसे जो लोग हैं क्लाइंट को बैक लिंक देने के लिए यहाँ पे इनका जो लिंक है वो छोड़ देते हैं। अब कैसे छोड़ते हैं वो भी इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वेबसाइट को रियल एस्टेट को फॉलो करेंगे, यहाँ से ऐड आ गया इसको क्लोज करेंगे, उसके साथ ही हम पहले साथ में चले जाएंगे सेकंड वाली वेबसाइट में। अब यहाँ पे आप देखें इसका जो मैंने जो यहाँ पे कुछ सर्च कर रखा था, अब इसका जो लिंक है इसको मैं रिमूव करता हूँ, तो सिंपल इसके जो डोमेन है इसको मैं सर्च कर देता हूँ, ताकि इस वेबसाइट का जो होम पेज है वो आपके सामने है और उसका जो काम है वो कैसे करना प्रोसीजर आपको मैं बता देता हूँ। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होंगी, बल्कि ज्यादातर ऐसी ही होंगी, यहाँ पे देखें पोस्ट एंड ऐड, माई एड्स, माई प्रोफाइल, कहने का मकसद यह है कि जितनी भी ऐसी वेबसाइट है उन पर आप आके फ्री में अपना अकाउंट जो क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी की सारी फेसबुक, यूट्यूब, उसके बाद पिंट्रस्ट, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है इन जैसी हैं सारी की सारी, और उनमें आप इसीलिए आके अपना अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पे कोई ना कोई पोस्ट शेयर कर सकते हैं, अपने भी कर सकते हैं और दूसरे लोगों के भी कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ले जाने के लिए यहाँ पर उन्होंने लिंक वगैरह छोड़ रखे हैं अपनी वेबसाइट के, तो हमने उन्हें लिंक को उठाना है और उनकी वेबसाइट को चेक करना है और उनके जो क्लाइंट्स हैं और उनके जो ईमेल है वो पिक करके हमने उनसे कॉन्टैक्ट करना है, और फिर आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्स लाजमी आएगा, ये मैं बात आपको दावे से कह रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ से ये वाली वेबसाइट उसको बाद में हम फॉलो करते हैं, सबसे पहले ये वाली है। अब यहाँ से मैंने ओपन किया था रियल एस्टेट का, ठीक है, रियल एस्टेट के रिलेटेड यहाँ पे देखें काफ़ी सारी जो वेबसाइट, काफ़ी सारे इसके जो हो सकता है ज़्यादा पेज भी हों, 1, 2, 3 पेजेस आ रहे हैं, इससे ज़्यादा भी पेजेस हो सकते हैं। तो यहाँ से आपने वन बाय वन जो वेबसाइट है उसको आपने फॉलो करना है, यानी कि यहाँ पे जो आर्टिकल पोस्ट आपको शो हो रही है आप इसको ओपन करें। इसी तरह हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा बैक जाते हैं, बैक जाके हम यहाँ से कोई और जो कैटेगरी है उसको हम ले लेते हैं, कोई और हम पिक कर लेंगे यहाँ से। यहाँ से हम ऐसा करते हैं सर्विसेज के रिलेटेड ले लेते हैं, पहले हमने रियल एस्टेट ली थी, अब हम सर्विसेज ले लेते हैं। सर्विसेज का जो हमने एक आर्टिकल ओपन किया है, अब हमने एक आर्टिकल यहाँ से ओपन किया है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस ये जिस वेबसाइट का है, जिस कंपनी का भी आर्टिकल पब्लिश हुआ है रियल एस्टेट के रिलेटेड, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पे उनका नंबर भी आ जाएगा। और ज़्यादातर ऐसे आर्टिकल भी होंगे जिनका जिन्होंने यहाँ पे ईमेल वगैरह भी साथ में मेंशन किया होगा, और ऐसे ईमेल होते हैं यहाँ पे लिखे हुए जो कि इनके बसाकत हमें वेबसाइट में देखने को नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि ये जो कंपनीज होती हैं छोटी छोटी जो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रही होती हैं, इन्होंने अपना ईमेल जानबूझ के दिया ताकि लोग जो इनसे कॉन्टैक्ट वगैरह करें। तो
आपको ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगे जिनमें इसी तरह के आर्टिकल आएंगे, इसी तरह के आपको इन्फॉर्मेशन और डिटेल वगैरह देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखें इस कंपनी की डोमेन जो है, वेबसाइट का जो लिंक है वो हमें देखने को मिल रहा है, तो सिंपल हम इसको ओपन करेंगे, ओपन करके हम इसको लिंक में जाकर सर्च करते हैं और हम चेक करेंगे कि इसमें वाकई में कोई सर्विस वगैरह प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं की जा रही। अब जैसे ही हमने इस वेबसाइट को ओपन किया है तो हमें इस चीज़ का आइडिया होगा कि वाकई में रियल एस्टेट के रिलेटेड ये क्या कर रहे हैं, सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सिंपल आप लोगों ने इनके जो ईमेल्स हैं वो पिक करने हैं, पिक करके आपने सेव कर लेंगे। और इनमें बहुत सारी ऐसी वेबसाइट, ये देखें जीमेल का हमें ईमेल मिल गया, इसमें ऐसे ही आपको ईमेल मिलेंगे और ज़्यादातर ऐसे ही ईमेल होंगे जो कि जिन पर ये लोग वर्क कर रहे हैं। और आपने इनका एनालिसिस भी कर लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि इनको वाकई काम की ज़रूरत है। ये देखें ये बिल्कुल नई वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। ये देखें अलेक्सा रैंक बिल्कुल नील आ रहा है, ट्रैफिक बिल्कुल एक आ रही है, गूगल इंडेक्स बिल्कुल देखें 3 आ रहा है। कहने का मकसद यह है कि यहाँ से जो बुक मार्किंग के रिलेटेड जो साइट्स होती हैं उनमें आपको ऐसी ही साइट्स मिलेंगी, ऐसे ही क्लाइंट्स के आपको कंटेंट वगैरह या छोटे छोटे आर्टिकल्स वगैरह देखने को मिलेंगे जिनको वाकई में काम की ज़रूरत है, ठीक है। और वो ऐसी फ्री वाली साइट से ही, हम जैसे जो लोग उनको बैकलिंक ऐसी साइट से दिलाते रहते हैं। तो आप लोगों ने भी इस मेथड को लाजमी से फॉलो करना है। अब मैं और आपको आर्टिकल वगैरह ओपन करके चेक करवाता हूँ ताकि आपका जो डाउट है वो ना रहे। अब ये वाला आ रहा, इसको मैं ओपन करता हूँ, इस फर्स्ट वाला आर्टिकल मैंने ओपन किया, इसको मैं कर देता हूँ बंद क्योंकि इसे हमने निकाल लिया। इस वाले आर्टिकल को हमने ओपन किया, अब यहाँ पे देखें थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखें इसने अपना ईमेल भी दे रखा है और उसके साथ ही इस बंदे ने अपना जो व्हाट्सअप का नंबर है वो भी प्रोवाइड कर रखा है। हम यहाँ पे देखेंगे कि वो इसकी जो वेबसाइट का लिंक है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। अगर नहीं मिल रहा तो कोई मसला नहीं, हम इसका ईमेल उठाएंगे, उठा के गूगल पे सर्च कर देंगे तो उसकी अगर डोमेन हुई तो ये हमें शो करवा देगा। ये देखें इसकी जो डोमेन है ये रही नीचे, आपने लास्ट में डॉट ए ई आ रहा है, अगर डॉट कॉम होगा तो आपने वो वाली वेबसाइट ओपन नहीं करनी, डॉट ए ई वाली वेबसाइट यहाँ पे देखिए हमें देखने को मिल रही है और इसका जो ईमेल है वो भी यहाँ पे देखिए हमें शो हो रहा है। तो सिंपल आपने ऐसी वेबसाइट्स को फॉलो करना, देखें इस पे सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जा रही है, तो सिंपल आप ऐसी वेबसाइट को फॉलो करें। अगर इनकी आपने ट्रैफिक भी चेक करनी, एनालिसिस भी करना तो वो भी आप कर लीजिएगा, मोस्टली आपको ऐसी ही साइट्स मिलेंगी जिनको काम की जरूरत है। यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं है, ना अलेक्सा रैंक है, अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, सैमरेज है वो भी नहीं है। तो कहने का मकसद ये, अगर आप ऐसी साइट्स को फॉलो करेंगे तो फिर आपको काम मिलने के चांसेस भी होंगे, क्योंकि हमें एक चीज़ का आइडिया हो जाता है कि जो साइट्स हैं ये सारी की सारी एक्टिव हैं और काम करवा रहे हैं और बैकलिंक जो है ऐसी साइट से ले रही हैं। तो आप अगर इन जो बुक मार्किंग के रिलेटेड जो साइट्स हैं अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स मिलने के चांसेस वो बढ़ जाएंगे। इसमें आपको ऐसे साइट्स नहीं मिलेंगे जिनकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगी, हज़ारों में होगी, मिलियंस में होगी। और एक और बात याद रखिएगा, ये ऐसे क्लाइंट्स की साइट्स होंगी जिनके साथ बहुत कम लोग जो है कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, इनके साथ बहुत कम लोग जो रابطہ करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं। अगर आप जैसे लोग इनको फाइंड करके कॉन्टैक्ट करेंगे तो मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि आपको रिस्पॉन्स लाजमी आएगा, क्योंकि इनको डेली बेसिस पे ईमेल कोई नहीं जा रही, ना कोई क्लाइंट इनको ईमेल कर रहा है, क्योंकि अभी ये रैंक ही नहीं कर रहे, इनके ना कीवर्ड चल रहे हैं, कुछ भी नहीं, ना ट्रैफिक आ रही, कुछ भी नहीं हो रहा। अगर आप जाके अपनी सर्विसेज वगैरह देंगे, इनको समझाएंगे कि हाँ हम आपको आपके काम के रिलेटेड कीवर्ड भी प्रोवाइड कर देंगे, तो फिर ये लोग आपको काम लाजमी देंगे और अपना जो काम है वो करवाएंगे। बशर्ते कि आप मेहनत करें, वन बाय वन वेबसाइट को फॉलो करें, फॉलो करके इनके अंदर से जो जो आपको मिलता है, आपने ये जितनी भी साइट्स हैं यहाँ पे जितनी भी लिस्ट शो हो रही है, आप इनको ओपन करके खुद से चेक करना है कि कहाँ कहाँ पे हमें ये जो इस तरह की जो क्लाइंट के रिलेटेड कंटेंट वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल आपने इसको कोई भी वेबसाइट जो है उसको उठा लें लिस्ट के अंदर से और आप यहाँ से खुद फाइंड करें, देखें कहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, बहुत सारी ऐसी होंगी जिनमें आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम फिर भी यहाँ से कोई ऐसा पेज वगैरह देखेंगे जो हमें डाउट हो या हमें लगे कि इसमें हमें कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, कुछ भी नहीं है। सिंपल आप इसको बंद कर दें और यहाँ से किसी और वेबसाइट को आप फॉलो कर लें, किसी और को कर लें। नहीं, एक में नहीं मिल रहा तो आप किसी और को लेके चल सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। अगर एक वेबसाइट से आपको कह लें 10 से 12 बुक मार्किंग के रिलेटेड वेबसाइट्स मिल जाती हैं और उनमें आपको डिफरेंट कंटेंट देखने को मिल जाता है, तो फिर आप समझे कि आप खुश नसीब हैं, आपको काफ़ी सारे जो क्लाइंट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आके आप जो अपने काम के रिलेटेड जो क्लाइंट्स हैं वो आप निकालें। अब आज के लेक्चर के रिलेटेड किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं मुझसे। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने जितने प्लेटफॉर्म बताए हैं, इसके इससे पहले भी जो प्लेटफॉर्म बताए हैं, तो सर हम इनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि आज हमने इस पे काम करना है या इस पे रेगुलर काम करना है, एक तो ये क्वेश्चन है।
और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि आप हम किस तरह डिवाइड करेंगे कि आज हमने जो है क्लाइंट को इस दिन जो मेलें करनी है और वेंडर को इस दिन मेल्स करनी है, तो इसमें जिस तरह आप बता रहे थे कि 3 दिन हम जो है वो क्लाइंट के कॉन्टेक्ट निकालते हैं और उसके बाद बाकी जो है वो मेल करते हैं, वो किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं, वो भी सर ये दो सवाल है मेरे। देखिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि सुबह का जो टाइम होगा आपके पास उसमें आप वेंडर को फॉलो करें, वीक के जो शुरू वाले 3 या 4 दिन है जैसे भी उसको लेके चलें। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 बजे के बाद जोहर का जो टाइम होता है, जोहर की नमाज के बाद 2 बजे के बाद या 3 बजे के बाद आप ईमेल करना शुरू कर दें क्लाइंट्स को। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ फ्राइडे सैटरडे और संडे 3 दिन बैठ के रेगुलर जितनी हो सके आप ईमेल वगैरह पिक करें। और उसके बाद बाकी जो 4 दिन होंगे वीक के शुरू वाले आप उनमें ईमेल वगैरह इनको सेंड करें। और रही बात प्लेटफॉर्म की, तो देखिए मैंने आपको पहले भी बोला, बार बार मैं बोलता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको काम मिले तो फिर आप किसी भी एक चीज़ को लेके बैठ जाएं, बेशक वो आर्टिकल के अंदर जो लिंक लगे आप उनको फॉलो करें, किसी भी एक चीज़ को लेके चले जाएं, लेके बैठ जाएं, आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्स लाजमी आएगा। ये नहीं कि आप एक चीज़ को पकड़ लें फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ को लेके चल रहे हैं, तो प्रॉपरली आपको लेके चलना पड़ेगा किसी एक चीज़ को अगर आप काम चाहते हैं। तो ये नहीं कि एक ही साथ आप सभी मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो मजा नहीं आएगा काम करने का। तब तक आप एक प्लेटफॉर्म को एक किसी एक सर्च को लेके चलें जब तक आपको रिस्पॉन्स नहीं आता, चाहे वो क्लच का ले लें या चाहे वो आज वाली जो सर्च है उसको आप लेके चलें। सर जो इतने सारे ईमेल्स हमने पहले निकाल के रखे हुए फिर हम उनका क्या करें अगर हमें मतलब कि क्लाइंट्स के लिए न्यू सर्च हमें करनी है, तो जो इतने सारे पहले जो असाइनमेंट्स के ईमेल्स निकाल के अलग अलग रखे हुए हैं सर फिर उनका क्या करें? उनको आप एक एक बार ईमेल करें उसके बाद उसको छोड़ दें, उसके बाद डेली बेसिस पे नए क्लाइंट्स निकालें। जैसा कि मैंने आपको बोला है वीक में 3 दिन क्लाइंट्स निकालें, बैठ जाएं, ठीक है फारिग टाइम जो है आपके पास 3 से 4-5 घंटे जितने भी हैं ये अपने लिए फिक्स कर लें 3 दिन क्लाइंट्स निकालने के लिए। एक दिन में 3 से 4 घंटे दें लाजमी क्लाइंट्स निकालने के लिए, जितने ज्यादा आप निकाल सकते हैं आप निकालें। उसके बाद जो वीक में जो शुरू वाले 4 दिन होते हैं उनमें आप ईमेल वगैरह करना शुरू कर दें। अभी जो अभी आपने निकाले उनको आप एक एक बार ईमेल करके छोड़ दें। अच्छा सर एक और बात पूछनी थी। हाँ जी पूछे सर, ये जो इस सारे प्रोसीजर में सर हमें वेंडर की कितनी मैक्सिमम लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए काम करने के लिए, कि कितने वेंडर्स हों तो फिर हम जो है वो क्लाइंट को अच्छे से मतलब के कर सकते हैं डील? देखें कि सीधी सी बात है, मुझे मेरे पास हालांकि साइट्स बहुत सारे साइट्स, और आप यकीन करें मुझे टेक्नोलॉजी के साइट्स चाहिए थी, शायद मैंने ग्रुप में मैसेज भी किया था, शायद आपको याद हो। और मैं सर आपने देखी नहीं, मैंने जी मैंने कुछ जो जिन लोगों ने मुझे दूसरे ग्रुप्स में मैंने मैसेज किए थे, अब यकीन करें मेरे पास इतनी साइट्स होने के बावजूद भी मेरा जो क्लाइंट था वो और डिमांड कर रहा था। मैंने आपको बताया ना साइबर सिक्योरिटी से मैंने जो वो आपको क्लाइंट दिखा रहा था जिसके साथ मैंने डील वगैरह फाइनल की, वो कहने का मकसद है कि वो मुझसे और डिमांड कर रहा था, यानी कि उसको और जो मजीद साइट्स हैं वो चाहिए। तो कहने का मकसद यह कि साइट्स हमारे पास जितनी ही 20 ज्यादा होंगी उतना हमारे लिए फायदा होगा। अगर फर्ज करें कल को आपके पास कोई कंटेंट मार्केटिंग के रिलेटेड एजेंसी आ जाती है तो आपसे और ज्यादा डिमांड करेंगे कि हमें मजीद और साइट्स चाहिए, हमें ये साइट्स पसंद नहीं है, अच्छी नहीं लगी, तो हमें और साइट्स शो करवाओ। तो कहने का मकसद है कि अगर आप उनको 10-15-20 साइट शो करवाते हो ना तो जाके उनमें से कोई 1 या 2-3 साइट्स वो निकालते हैं, तो जितनी ज्यादा साइट्स होंगी उतना हमारे लिए फायदा होगा। अच्छा सर एक और चीज मैंने पूछनी थी सर, जैसे हमारा आपने ये ग्रुप बनाया है ठीक है, इस ग्रुप में सर हर बंदा एक अलग अलग कैटेगरी के ऊपर काम कर रहा है, तो सर अगर हम लोग अपनी जो लिस्ट में से 100 जो बेस्ट साइट्स हमने निकाली हुई हैं अगर सर हम उसको आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर लें तो सर हमारे पास काफी अच्छा डेटा जो है वो इकट्ठा हो सकता है, तो सर उससे फिर हमें क्लाइंट को डील करने में भी आसानी हो सकती है। देखिए वो तो आपकी बात दुरुस्त है लेकिन सीधी सी बात है, पॉइंट वाली बात करूंगा, कोई बंदा माइंड ना करे, आज के दौर में किसी बंदे पे भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। देखें हो सकता है कि मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोचता लेकिन जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं ना मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ हूँ। आपने जो भी डेटा लेना है, जो भी आपने चीज़ मार्केट में यूज़ करनी है वो अपनी ही यूज़ करनी है ठीक, अपने दम पे। आपने किसी से अगर लेनी है तो आपने सब कुछ देख लेना है। मानता हूँ कि सब लोग जो अच्छे हैं माशाल्लाह लेकिन फिर भी आपने किसी से साइड नहीं लेनी, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपने अगर किसी की वेबसाइट यूज की उस पर क्लाइंट ने आर्टिकल पब्लिश करवाया हो और क्लाइंट ने आपको पेमेंट कर दी हो और आपने पेमेंट अपने जो ग्रुप का मेंबर है उसको भी आपने दे दी हो और किसी रीजन की वजह से उसको उसने आगे पेमेंट जो है वो ना भेजी हो एडमिन को, तो आप बताएं
क्लाइंट का जो आर्टिकल है वो हो जाएगा रिमूव, दोबारा एडमन आर्टिकल वहां पे पब्लिश नहीं करेगा, उसी क्लाइंट का जो लिंक है वो वहां पे नहीं लगेगा और आपका भी क्लाइंट खराब होगा और आपको रिफंड हो जाएगा, और रिफंड होगा तो जो तकरीबन 99% चांसेस होंगे कि आपका जो पेपाल का अकाउंट है वो बंद हो जाएगा। तो कहने का मकसद है कि अगर आपने काम करना तो किसी पे डिपेंड नहीं रहना, अपना डेटा सब अपना कलेक्ट करें और अपने हिसाब से सब लोग काम करें। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। ग्रेट सर, ग्रेट आंसर सर, आपने अच्छा दिया, विजनरी हैं आप सर, ऐसा ही है आजकल जो सूरत हाल है। और मेरा सर ये क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने कहा कि आप आज तक अपने बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म बताए हैं, अभी तक आज भी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म बताए हैं, और अब आप ये कह रहे हैं कि आप एक क्लच को आप फॉलो करने का कह रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म को फॉलो करें, ये सर ठीक हो गया। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अगर इस तरह करें कि अगर हम टारगेटेड हमें काम करवाएं कि जैसे आप हमें ये कहें कि अब क्या कहते हैं उस पर जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट को यूज़ करने का तरीका अगर उस पर बताएं, अगर टेम्पलेट डिफरेंट तरीके के हमें यूज़ करने का तरीका बताएं सर, वो तो बेहतर नहीं है सर? देखिए मैं ये समझता हूँ कि टेम्पलेट जो है ये सब कुछ मैटर नहीं करता, सिंपल आपने सर्विसेज के बारे में लिखा हुआ है, आप अगर भेज रहे हैं, अगर क्लाइंट को जरूरत है ना, जो सामने वाला बंदा है, अगर आप ऐसा बंदा ऐसे बंदे को टारगेट कर रहे हो ना जिसको जरूरत है वाकई में काम की, तो फिर वो ये चीज़ नहीं देखेगा कि आपने टेम्पलेट में क्या क्या चीज़ें मैंशन की हैं। ठीक है, सिंपल आप जो सिंपल टेम्पलेट है बेशक उसमें आप तीन लाइनें लिखते हैं, चार लाइनें लिखते हैं, एक छोटा सा पैराग्राफ बना के आप उसमें लिखते हैं अपनी सर्विसेज के बारे में, तो क्लाइंट आपको रिस्पॉन्स लाजमी करेगा, क्लाइंट ये सारी चीजें नहीं देखेगा। हमने जितनी भी टेम्पलेट भेजी है उसमें ना तो हमारा कोई सोशल अकाउंट है, सीधी सी बात है, क्लच पर हमने जितनी भी भेजी है जो ऐसे क्लाइंट्स जिनकी वेबसाइट में ना ट्रैफिक आ रही है ना उनकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी है, कुछ भी नहीं है, उनको जितनी भी हमने टेम्पलेट भेजी है उनमें ना तो हमारा कोई नेम मेंशन है, ठीक है, और ना ही हमने कोई सोशल लिंक ऐड की है और ना हमने कुछ और जो चीजें वो ऐड की। मैंने आपको एक और चीज बोली थी कि अगर हमने कंटेंट मार्केटिंग के रिलेटेड एजेंसीज को हमने फॉलो करना है तब हमने अपने टेम्पलेट के अंदर जो सिग्नेचर वगैरह ईमेल सिग्नेचर और सोशल अकाउंट्स है वो सब कुछ मेंशन करना है। तो क्लाइंट हैं अगर ऐसे बंदे को आप फॉलो कर रहे हैं, ऐसे बंदे को आप पिक कर रहे हैं जिसको वाकई में काम की जरूरत है, तो फिर वो सारी चीजें नहीं देखेगा, वो सिर्फ यही देखेगा कि आप सर्विसेज किस चीज के रिलेटेड प्रोवाइड कर रहे हैं। वालेकुम सलाम सर, मैंने आपको वेबसाइट भेजी थी सर, क्या आपने चेक की? क्या चीज? वेबसाइट सेंड की थी आपको किस चीज के रिलेटेड? टेक्नोलॉजी, मैं देखता हूँ, मैं फिलहाल तो जो अच्छी अच्छी मुझे मिली थी पहले जिन स्टूडेंट्स ने शो करवाई थी वो उसमें से मैंने निकाल ली थी काफी सारी, तो मैंने अभी फिलहाल शो करवाई है, तो अभी क्लाइंट ने प्राइस वगैरह पूछी है, तो जैसे ही वो और साइट्स की डिमांड करेगा तो इंशाल्लाह मैं उसमें से निकाल। सर एक मेरा ये क्वेश्चन था कि सर डेली बेसिस पे कितनी क्लाइंट वेबसाइट कॉन्टेक्ट होने चाहिए और वेंडर वेबसाइट मिनिमम सर हमें कितना एफर्ट करनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम तो हम जितनी मर्जी कर लें और मिनिमम अगर वीक को अगर टारगेट कर रहे हैं जैसे एक वीक के अंदर अंदर हमने क्लाइंट लेना, तो मिनिमम और मैक्सिमम कितनी हमें वेबसाइट और कॉन्टेक्ट इकट्ठे करने चाहिए? देखिए तो आप लोगों ने अपना टाइम देखना है ना, आप अपने हिसाब से लेके चलें, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कोई ना कोई जॉब भी करते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं, स्टडी भी करते हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से लेके चलना है, तो ये जो चीज़ है ये मुनासिब नहीं होगी, लेकिन इतना ही कहूँगा कि जितनी ज़्यादा हो सकें जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकें उतना इंशाल्लाह आपको जो रिवार्ड है वो जल्द देखने को मिलेगा। राइट सर, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर जी? शुक्र अल्लाह का, हसन भाई आप सुनाएं। शुक्र लगा सर जी, मैंने आपसे ये पूछना था कि जब मतलब किसी क्लाइंट्स का रिप्लाई आता है उसे हमें शुरू में कितनी साइट्स की लिस्ट भेजनी चाहिए, क्योंकि मुझे दो बंदों का रिप्लाई आया था तो मैंने उन्हें 10-12 वेबसाइट की लिस्ट एक बना के भेजी थी, लेकिन उसके बाद उनका ना मतलब 3-1 दिन हो गए रिप्लाई नहीं कोई आया। उसने मैसेज क्या किया था सबसे पहले तो आप ये बताएं। उसने मैसेज में लिखा हुआ था कि मुझे मतलब लिंक मैंने लगवाने और मुझे साइट्स चाहिए और मुझे वो लिस्ट अपनी सेंड करें साइट्स की। तो देखें आपने उससे रिक्वायरमेंट क्यों नहीं पूछी? रिक्वायरमेंट पूछते हैं ना, रिक्वायरमेंट उससे पूछते हैं, रिक्वायरमेंट आपने पूछनी थी कि रिक्वायरमेंट बताओ अपनी, आपको किस निश के रिलेटेड साइज चाहिए और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कि कितनी ट्रैफिक होनी चाहिए, डोमेन अथॉरिटी कितनी है, तो फिर जो क्लाइंट अगर आप ये सारी चीजें उससे पूछते हो ना तो क्लाइंट जो है आपको रिस्पांस जल्दी करता है, लेकिन वो करेगा रिस्पांस, आप टेंशन ना लो।
ठीक है, क्योंकि यही है क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि शायद मैंने वेबसाइट एक कम भेजी है, ज्यादा मुझे भेजनी चाहिए। आप उसको ईमेल आपने करना दोबारा कि अगर जो साइट्स मैंने शो करवाई हैं अगर आपको ये पसंद नहीं आई तो काइंडली अपने रिक्वायरमेंट बताएं, मैं आपको मजीद साइट शो करवाता हूँ। और अगर आपको ये यानी कि अगर आप जितनी साइट चाहेंगे या इसके अलावा अगर आपको कोई और साइट चाहिए तो आप मुझे वो शो करवा दें तो मैं मार्केट में वो साइट ढूंढ के आपको उस पर भी काम आपका करवा दूंगा। तो ये चीज़ आपको उसको मैंशन कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी काइंडली जिसने भी करना है जितने भी। अच्छा सर, एक बड़ी वेबसाइट होती है सर। ठीक ठाक आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है सर। मैं मालूम ही करना चाह रहा हूँ कि जब हम आर्टिकल जो पब्लिश होते हैं वेंडर पर, उस आर्टिकल को खोलते हैं तो वहाँ काफी सारी लिंक होती है, तो हम किलाइट की जो वेबसाइट पे पहुंचेंगे वो किस लिंक से पहुंचेंगे? साइट से बात है, एक्सटर्नल लिंक होगा किसी दूसरी डोमेन का, उसमें भी दो तरह के लिंक होते हैं, एक आगे वेंडर साइट का लिंक ओपन होगा और एक उसमें क्लाइंट का। ठीक है, आपने शायद नोट किया होगा, एक आर्टिकल के अंदर दो तरह के लिंक हमें देखने को मिलते हैं, एक ऐसा लिंक जो कि किसी ऐसी साइट पे जाता है जिसमें हमें कंटेंट वगैरह देखने को मिलता है, पब्लिश हुआ होता है, यानी कि एक वेंडर वेबसाइट का होता है, और दूसरा जो लिंक होता है वो किसी क्लाइंट साइट का होता है जिसपे सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जा रही होती है। ठीक है सर, इसको प्रैक्टिकल करके बता सकते हैं प्लीज? जी मैं आपके साथ वो लेक्चर शेयर कर दूंगा, उसको आप डिटेल से अच्छे से देख लीजिएगा, आपको बेहतर समझ आ जाएगा। ओके सर, ओके सर। एक यानी कि जो वेंडर साइट्स होती हैं सर, वो लिंक क्यों लगवाएंगी अपने? देखिए मैं पहले ही चीज क्लियर कर चुका हूँ, मैंने बताया था आपको कि बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं जो कि अपनी एक से जायद गेस्ट पोस्ट के रिलेटेड साइट्स को रन कर रही होती हैं। ठीक है, जब भी नया आर्टिकल पब्लिश होता है या किसी नए टॉपिक पे आर्टिकल क्लाइंट पब्लिश करवाता है, वो क्या करते हैं उसी टॉपिक पर अपनी दूसरी जो वेबसाइट होती है यानी कि दूसरी जो अपनी गेस्ट पोस्ट के रिलेटेड साइट होती है उस पर अपना कंटेंट पब्लिश करवा लेते हैं उसी टॉपिक के रिलेटेड। फिर क्या करते हैं, एक्सटर्नल लिंकिंग कर देते हैं, यानी कि उस अपनी नई वेबसाइट का लिंक, एक जो वेंडर होता है वो अपनी नई वेबसाइट का लिंक उस नए आर्टिकल में जो है वो लगा देता है। ये चीज होती है, ज्यादातर ऐसे ही होता है क्योंकि ये जो चीज हम खुद करते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और आपको ऐसा ही मिलेगा ज्यादातर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जी एक ना मेरा और क्वेश्चन था कि फाइवर पे जो हम अकाउंट बना रहे हैं, एक तो वहाँ पे मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और दूसरा ये कि वो पैसे भी मतलब आपके 14 दिन बाद देता है फाइबर, तो वो अगर हमें वहाँ पे कोई ऑर्डर मिलता है तो वो वेंडर फिर 14 दिन का वेट कर लेगा पैसे आने तक का? आपने पता क्या करना, पियोनियर का अकाउंट बनाए या कोई ऐसा बंदा मार्केट में ले लें, ठीक है, या आप में से जो भी लोग हैं मुझे पे करके मुझे पे कर दे, मैं फिर आपकी जो पेमेंट वो वेंडर को सेंड कर दूंगा। ठीक, नहीं मतलब बात करने का मकसद ये है कि मतलब फाइवर से तो पेमेंट आती 14 दिन बाद, तो वो फिर 14 दिन वेट कर लेगा जिस वेंडर जिसकी साइट पे हम आर्टिकल लगवाएंगे? नहीं वो तो वेट नहीं करेगा आप, लेकिन उससे बातचीत कर लीजिएगा, वेंडर को जो पेमेंट है तकरीबन 3-4 दिन के अंदर हमने करनी ही करनी होती है हर सूरत में। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई इशू हो तो आप पेमेंट मुझसे करवा सकते हैं, मैं आपकी पेमेंट कर दिया करूंगा, और बाकी आप जो है बाद में अपने क्लाइंट की पेमेंट खुद ही हैंडल कर लें। ठीक है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था कि अगर कोई क्लाइंट हमें कहता है कि मैंने बड़ी वेबसाइट पे अपना लिंक लगाना है जिसका DAP है ही है और इंडेक्स रेट भी हाई है, तो उसको कैसे हम अप्रोच करते हैं? वो तो हमें काफी महंगी मिलेगी और हम उसको भी अपने इनबॉक्स में रखेंगे। देखिए मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह इस पर आपको लाजमी सिलेक्शन दूंगा, तो अभी उसका टाइम नहीं आया, तो जिस दिन उसका टाइम आएगा इंशाल्लाह आपको बता दूँ। डेटाबेस प्रोवाइडर कंपनीज हैं वो हमें इंशाल्लाह सब कुछ प्रोवाइड करेंगी, तो हम उनको फॉलो करते हुए ऐसे जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं इनको हम ईमेल करेंगे इंशाल्लाह, और रिस्पॉन्स भी आएगा। ओके सर। Currently, और जो स्टूडेंट है क्वेश्चन कर लें जिसने भी करना है। सर अगर इस दौरान कोई मिल जाता है हमें कहता है, तो फिर सर हम आपको फिर ये है कि आपसे उसको डिमांड कर लेंगे। जी जरूर कर लीजिए, कोई मसला नहीं। अगर मेरे पास उनमें कोई हुई तो मैं आपको जरूर चला पॉइंट कर दूंगा। सर आप अपना वो वाला नंबर भी तो शेयर करें ना, जिस पे सर आप जल्दी हमें रिप्लाई कर दें सर, एक एक हफ्ता पूरा इंतजार करना पड़ता है सर। सर ये तो बड़ी मुश्किल।
ऐसा कोई और नंबर सर नहीं एक है, हफ्ते बाद भी स्टॉक नहीं आता। ऐसा कोई नंबर नहीं है सर, फिर वो तरीका बता देना। देखें और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत कुछ मुझे अकेले हैंडल करना पड़ता है, तो इसलिए सोच रहा हूँ कोई बंदा देख लूँ जिसे कोई नॉलेज हो क्वेश्चन आंसर, आपको यानी कि आंसर दे सके आपके क्वेश्चन के, उसको मैं रखूँ, नंबर वगैरह आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ उसका, तो फिर जैसे मर्जी उसका आप सर खाएं। टाइम नहीं होता दरअसल, टाइम नहीं होता, क्या करूँ, टाइम जो है सर। एक आध क्वेश्चन होता है सर, एक आध क्वेश्चन होता है हमारा, ज्यादा तो सर नहीं करते सर। नहीं वो ये देखना, ये तो सिर्फ आप अपना सोच रहे होते हैं ना, आपके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, ईमेल्स आ रही होती हैं, तो सारा कुछ जो है वो मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, अपना भी काम होता है और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि वेब डेवलपमेंट का भी काम करते हैं, उसके क्लाइंट्स होते हैं और भी काफी कुछ हम कर रहे होते हैं, तो और अपनी पर्सनल लाइफ भी है, सारा कुछ देखना होता है। सर आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया? जी फिलहाल तो कंप्लीट है। ठीक है सर, मैं जा सकता हूँ, नमाज का टाइम करीब। जी जी जरूर आप जाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ तो सर देखिए, अगर हमें क्लाइंट जो है वो रابطہ हमसे करता है तो फिर हम फौरी आपसे कैसे डिस्कस करेंगे, आपने तो हफ्ता हफ्ता हमें आंसर नहीं करना। देखिए मैं ऐसे मैसेजेस अक्सर जो मेरे सामने आते हैं ना जब मैं व्हाट्सएप ओपन करता हूँ, ठीक है, अगर कोई क्लाइंट का हो तो आपने एक और चीज मैं आपको बता दूं कि लास्ट में आपने जो मैसेज छोड़ना है ना सर, क्लाइंट की तरफ से रिस्पांस आया है तो मैं आपके जो मैसेजेस को फौरन ही ओपन करूँ। अगर क्लाइंट का बोलेंगे ना कि सर क्लाइंट की तरफ से रिस्पॉन्स है तो आपके जो वो वॉइस ना कीजिएगा और को बहुत लंबा चौड़ा टेक्स्ट आप मुझे ना भेजिएगा, सिंपल लास्ट में मैसेज वो शेयर कीजिएगा ताकि मुझे ऊपर ही शो हो रहा हो कि सर क्लाइंट की तरफ से रिस्पॉन्स है, तो फिर मैं आपको फौरन इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करूँगा। सर मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे अभी आपने बताया कि सिग्नेचर ईमेल करनी है, तो सर मैंने सिग्नेचर ईमेल से ही स्टार्ट किया था लेकिन वो सारी की सारी जो थी ना वो ब्लॉक हो गई, दोबारा उसके बाद मैंने उनके सिग्नेचर रिमूव करके की तो फिर वो सारी की सारी सेंड हो गई, ये क्यों हुआ? देखिए नई आइडियाज होती हैं, अब ये तो मेरी खुद भी समझ में नहीं आता, अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी ईमेल जो है वो स्पैम में ना जाए, डायरेक्ट क्लाइंट के इनबॉक्स में जाए, तो फिर इसके लिए ये है कि गूगल को थोड़ा सा आपने आपको बेवकूफ बनाना पड़ेगा, जितनी भी आपकी ईमेल की आईडीज है ना उनमें आप किसी न किसी वेबसाइट पे जाके साइन अप कर लें, न्यूज लेटर वाले जो वेबसाइट्स हैं, जो न्यूज वाली वेबसाइट्स हैं गूगल न्यूज पे चले जाएं, वहां पे जाके वेबसाइट ओपन करें और वहां पे जाके आप सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितनी ज्यादा आपको ईमेल आ रही होंगी, ठीक है, नोटिफिकेशन मिल रही होंगी आपकी हर आईडी पे, तो फिर आपकी जो ईमेल जब आप सेंड करेंगे तो फिर आप ज्यादातर जो ईमेल आपकी इनबॉक्स और स्पैम में नहीं जाएंगे। हमारे पास जो लड़के बैठते हैं ना, हमने उनकी जो जो आईडीज है नई वाली आईडीज हमने उनको सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है, न्यूज लेटर वाली जो वेबसाइट है वहां पे जाके हमने वैसे ही तुक्का ही साइन अप कर रखा है ताकि हमें वहां से नोटिफिकेशन आते रहे, ईमेल वगैरह मौसूल होते रहे, ताकि गूगल को एक चीज जो पता चलती रहे कि ईमेल जा भी रही है और आ भी रही है, और इससे ये होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा जो ईमेल्स हैं वो भी सेंड कर सकेंगे। ईमेल सिग्नेचर जो है सिर्फ आप एक से दो टेम्पलेट में रखें सिर्फ एजेंसीज के लिए, ठीक है, और एजेंसीज वो जो कंटेंट मार्केटिंग रिलेटेड हैं या जो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रही हैं जैसा कि आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, गेस्ट पोस्ट के रिलेटेड और एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड एजेंसीज हैं, और बाकी जितनी भी आप वो सिंपल जो टेम्पलेट आप उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने ऑय कॉपीफाई का दिया है ना अपने यूट्यूब पे, आपने वो वीडियो बनाई है, मुझे उसमें ये था कि उसमें पेयोनीर का डालना है, पेपॉल का डालना है, क्या पेयोनीर का चल सकता है अकाउंट उसमें? देख लें जो आपके पास है वही आप वहां पे ऐड कर लें, वही भी कोई भी करते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना, और उसमें हम कितनी वेबसाइट ऐड कर सकते हैं ऑय कॉपीफाई में? जितनी है आपके पास जितनी आप कर सकती हैं। अच्छा सर, जो लास्ट आपने वीडियो अभी दिया कीवर्ड डिफिकल्टी की, ये ब्लॉगिंग से रिलेटेड है या मीन ये जीबीओबी से रिलेटेड है? नहीं वो ब्लॉगिंग का कोर्स चल रहा है। अच्छा वो ब्लॉगिंग का, सर वो काइंडली आप शेयर कर देंगे जो फर्स्ट उसकी वीडियो है ना, जो फर्स्ट उसका स्टार्ट हो रहा है वो भी प्लीज आप शेयर कर देंगे, वो उसी 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 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसको फॉलो करें, नहीं तो मैसेज करें मैं चलो आपको कर देता हूं। सर ये लास्ट आपने मुझे ये लेक्चर सेंड किया था, इसमें वेब टूल का लिंक था, आपने कहा था मैं सेंड कर दूंगा, और एक और लिंक था वो अभी तक आपने सेंड नहीं किया, ये जो व्हाट्सएप के ग्रुप नंबर साइन करने थे ना जिसके थ्रू,
मैं समझा नहीं। इसमें एक वेब टूल वेबसाइट थी वो आपने शेयर नहीं की। अच्छा 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 मुझे याद आ गया, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। हाँ जी, एक और भी चीज है वो भी आपने शेयर नहीं की, वो आपने कहा था कि मैं शेयर कर दूंगा। चले मैं कर देता हूँ, कर देता हूँ। ठीक है जी। आप ब्लॉगिंग का कोर्स भी करवाते हैं ऑनलाइन? नहीं अभी नहीं मैं करवा रहा, अभी मैं सिर्फ अपनी वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो टाइम है वो नहीं है, इसलिए मैंने ये काम अभी लिया है, जिम्मेदारी नहीं ली, करवाऊंगा अभी नहीं। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है, मैं क्योंकि दो तीन लोगों को फॉलो कर रही हूँ, तो वो कहते हैं कि मार्केट में कस्टमर बहुत ज्यादा है, क्लाइंट बहुत ज्यादा, आप लोगों को बहुत मिलेगा, लेकिन जब हम क्लाइंट ढूंढने जाते हैं ना तो वो मिल ही नहीं रहा। और सेकेंडली एक एक क्वेश्चन है कि जो आपने लिंक्डइन के थ्रू बताया था ना, ये लिंक्डइन के थ्रू क्लाइंट मिलेंगे, आप वो गोरों को करें और पाकिस्तानी नहीं ऐड करो, तो वो चले वो बात समझ आ गई, मेरे काफी अच्छा प्रोफाइल बन गया उसके ऊपर और काफी ऐड भी हो गए, बट द थिंग इज कि वो जो है ना, अब मैं उसको आगे कंटिन्यू क्या करूँ उसके अंदर। अब अगर किसी कंपनी में कोई गोरा काम कर रहा है, जैसे कंटेंट मार्केटिंग नहीं कर रहा, तो वो मुझे क्यों अप्रोच करेगा? मीन मैं उसको कैसे बताऊं कि भाई मैं भी जीबीओबी का करती हूं, तो मुझे बताओ कि गेस्ट पोस्टिंग करवाने में मैं उसको कैसे इंट्रोड्यूस करवाऊं? देखिए सिंपल है, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप उनके साथ कनेक्शन वगैरह बनाएं, उनके ईमेल्स पिक करें, उनको ईमेल वगैरह सेंड करें, नहीं तो आप छोटी सी टेम्पलेट बनाएं जिसमें आप उनको इंट्रोड्यूस करवाएं और अपने सर्विसेज के बारे में बताएं, और उसको बताएं कि हमारे पास साइट्स की अच्छी सी लिस्ट है, और अगर आप हमारे साथ क्लैब करना चाहोगे तो हम आपको कम कीमत में साइट्स प्रोवाइड कर दें, और वो आपको रिस्पॉन्स करते हैं, और आपको वहाँ पे वो लोग अपना ईमेल भी प्रोवाइड करेंगे, अगर आप लिंक्डइन पे उनको ईमेल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स भी करेंगे, क्योंकि जितने भी कंपनीज के अंदर इंप्लॉयज होते हैं वो आगे किसी ना किसी रीसेलर के साथ अटैच हैं, बेशक आप उनकी प्रोफाइल को ओपन करके चेक करें, उनकी ज्यादा से ज्यादा जो अटैचमेंट होगी वो आगे रीसेलर के साथ ही होगी, जो आगे हमारी तरह की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है जी। जी सर, मेरा एक जी इकराम साहब। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने कुछ लोग आउटसोर्सिंग के लिए रखे हुए हैं, तो अगर अगर सर हम कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहें, कोई ऐसा सेटअप अगर, तो इनिशियली 2-3 घंटे के लिए किसी बंदे को हायर करें, तो किस तरह उसका प्रोसीजर अगर हम करें, क्योंकि हमारे पास तो टाइम कम होता है अभी, तो हम कोई रिस्क लेना चाहें इस बारे में, तो क्या ले सकते हैं सर? फिलहाल खुद पे डिपेंड होके काम करें, उसके बाद फिर बाद में सोचिए, फिलहाल सब कुछ खुद करें। हाँ। अगर कोई क्लाइंट अप्रोच करता है तो हम आपको अप्रोच करें कि हमें आर्टिकल पोस्ट करवा दें या कोई हेल्प आउट करें, मीन अगर वेबसाइट भी हम वो सब कुछ डेटा हम अपना काम करके, बट आपको कहें कि आप हमें पोस्ट करवा दो, क्योंकि अभी हमें तो रहा है, हमें नहीं पता उस तरह की कैसे पोस्ट करवाने। ठीक है, मैं करवा दूंगा, अगर आपको मेरी साइट चाहिए, मेरे पास जो साइट अवेलेबल है जिन पर मैं काम कर रहा हूँ, जिन ब्लॉगर के साथ मेरी अच्छी खासी बनी हुई है, मैं वो आपको शो करवा दूंगा, उन पर आप काम ले लीजिएगा, आर्टिकल ले लीजिएगा, मैं आपका पब्लिश करवा दूंगा इंशाल्लाह 24 आवर से पहले पहले इंशाल्लाह। तो वो साइट्स आप फिर पहले दोगे और उसकी अमाउंट भी बताओगे कि कितने? जी मैं अमाउंट वही आपको बताऊंगा जो मुझे पीछे से मिल रही होगी। ठीक, अपना खुद के पास कुछ नहीं रखूंगा। ठीक है। हेलो जी असम साहब। सर एक और क्वेश्चन था कि जो राइटर है उनसे हम कितने पैसों में डील डन करें, मतलब कम से कम? राइटर देखिए, मेरे पास जो है, मेरे पास जो राइटर है इंडियन, इंडिया का भी है, पाकिस्तानी भी है, लेकिन जो झूठ बोलने वाले तो बात नहीं, इंडियन के साथ काम कर रहा हूँ मैं, तो $3.5 वो मुझसे चार्ज करती है। ठीक है, क्लाइंट के लिए अगर मैंने अपनी वेबसाइट के लिए उससे लिखवाना होता है तो $2.5, तो इतना ही चलता मार्केट में, ज्यादा से ज्यादा ना ज्यादा से ज्यादा $5, ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा, अगर हमने कोई 1200 वर्ड का या 1000 वर्ड का आर्टिकल राइट करवाना हो तब जाके $5 उसको पे करते हैं, नहीं तो नॉर्मली 500 वर्ड 700 वर्ड का इतना ही चलता है, $3 ही चलता है। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था, मेरे दोस्त है उसका ना सॉफ्टवेयर हाउस है, वो वेब डेवलपमेंट करता है, तो सर उसको भी आउटसोर्स कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं हम बैकलिंक प्रोवाइड करते हैं? हाँ जी, एक चीज ये हो सकती है कि आप उसको बोले कि जिन क्लाइंट्स की आप वेबसाइट बना के दे रहे हो उनके क्लाइंट्स की वेबसाइट मेरे साथ शेयर करते रहो, उनकी वेबसाइट लेते जाए, और तो सर वो कहेंगे, तो जिनसे वो एसईओ करवाते हैं तो वो एसईओ वाले नहीं उनको ये सहूलत प्रोवाइड करेंगे? कौन हो सकता है सर ये जो आप अपना चांस ले लें ना, आप उनसे बात कर लें, आप उनसे बोल दें कि आपके जो क्लाइंट्स हैं जिनके आप वेबसाइट वगैरह बना के दे रहे हैं,
जी सर, एक क्वेश्चन ये था कि अगर SEO में और GBO में कितना डिफरेंस बीच में रह जाता है कि ये SEO, हालांकि ये सेम ही है ना, को फर्क कम ही लगता है मेरा ख्याल SEO में और GBO यही समझ लें कि यही समझ लें कि 70% जो गेस्ट पोस्ट है वो SEO है, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और गेस्ट पोस्ट आपको पता ही है सर्च इंजन को चलाने में कितना मददगार साबित होती है, कीवर्ड लेते हैं, कीवर्ड पे काम करवाते हैं, कंटेंट वगैरह राइट करवाते हैं। उसके अलावा कुछ बेसिक SEO देखी होती है, SEO यही चीज है कि हमने सर्च इंजन को अपने कीवर्ड के हिसाब से चलाना होता है, ठीक है। हम चाह रहे होते हैं कि ये वाली जो सर्च है, ठीक है, इस सर्च को अगर लोग करें तो सर्च इंजन जो है हमारा रिजल्ट शो करवाए। तो आपने उस रिजल्ट को शो करवाने के लिए अगर पीछे अच्छा काम किया होगा, यानी कि आपने अच्छी SEO की होगी, अच्छा काम किया होगा, तो आपका रिजल्ट है जो रिजल्ट है वो बेटर शो होगा गूगल पे। तो कहने का मकसद यह है कि SEO में साइट्स के अंदर थोड़ी बहुत SEO करना पड़ती है, और जब साइट जो है वो बनाई जा रही होती है, उसके बाद जो SEO चीज है ये कीवर्ड को लेना होता है, उसके बाद कंटेंट वगैरह पब्लिश करना होता है, और उसके बाद ये सारी SEO, उसको समझ लें SEO कहते हैं। और कुछ उसमें सर आपने यही कुछ बताया था सर, बड़ा अच्छा उसमें डिटेल बताया था समरिश में जी, यही सब कुछ है। और इसी पे समझना है कि यही SEO का मेन है, जिस यानी कि कीवर्ड जो है, कीवर्ड से सब कुछ स्टार्ट होता है। देखिए ना, हम गूगल पे जैसे कीवर्ड को सर्च करते हैं तो हमें सारे के सारे रिजल्ट शो करवाता है। वो कैसे रिजल्ट आता है, अगर हमने SEO अच्छी की होगी तो ही हमें रिजल्ट शो होगा ना, अगर SEO अच्छी नहीं की होगी तो हमें रिजल्ट भी शो नहीं होगा। सर मैं मजीद ये पूछना चाह रहा था कि SEO में इसमें कितना डिफरेंस है, मतलब कौन सी ऐसी चीज एक्स्ट्रा है SEO में, कोई इसमें कम है तो ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। देखिए SEO में बहुत सारी चीजें आती हैं। अब SEO कंप्लीट जिसे कहते हैं ना, कंप्लीट SEO वो तो मैं नहीं जानता, सीधी सी बात है, ठीक है, जितना मुझे आता है वो मैंने नॉलेज आपके साथ शेयर कर दी है। लेकिन मैं आपको इतने बोलूंगा कि SEO में 70% गेस्ट पोस्ट इंक्लूड है। राइट सर, थैंक यू। 30% बाकी चीजें। जी और किसी ने क्वेश्चन करना तो कर लीजिए, नहीं तो हम क्लास को एंड करें फिर। चले ठीक है फिर, इंशाल्लाह लेक्चर आपको मिल जाएगा, और सब लोग काम करें, स्टार्ट करें, मेहनत करें। फल तो अल्लाह ताला ने देना है, लेकिन मेहनत आपकी जो है वो लाजिम है इसमें। दो में याद रखिएगा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी इकराम साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप लोग अच्छे तरीके से सर, नहीं आपने बहुत अच्छा टाइम देते हैं सर, बिल्कुल डिटेल से बताते हैं जो बात करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली हमें वही क्वेश्चन मिलता है जो आंसर मिलता है, और आज तो बिल्कुल खुले दिल से आप हमें टाइम दे रहे हैं, ये तो बड़ी बात है सर। नहीं आज मैं टाइम थोड़ा सा निकाल के बैठा हूँ, मैंने कहा संडे है तो मैंने कहा थोड़ा सा टाइम आपको दे दिया जाए। सर आप लोग प्लीज ग्रुप में इन रहा करें, ऑन एंड ऑफ आते जाते रहा करें, पता उससे मोटिवेशन मिलती है, पता होता है कि पीछे कुछ खड़ा हुआ है, वो बहुत ज्यादा एक्ट करता है। यानी अगर हम डाउन भी हो जाए ना तो हमें रिमाइंडर आ जाता है, भाई नहीं सर सकते हैं, उन्होंने ये करवाना ये करवाना, तो वो एक चलता रहता है सर का वो। ये आप प्लीज करते रहा करें, ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ऑन एंड ऑफ ना इसमें ग्रुप में आते रहा करें। चलें ठीक होगा, ठीक होगा, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा जितना मुझसे हो सका। सर ये आपकी ग्रेटनेस है जी, जज़ाकअल्लाह। ठीक है फिर, ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं चला लेक्चर आप सबको भेज रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।